नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर कांकेर से है, जहां बच्चे अपने घरों के सामने खेल रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश होने के कारण 2.5 साल का मासूम तेज बहाव की चपेट में आ गया। जैसे ही उसकी घर और आसपास वालों को लगी सूचना मिली, सभी तेज बारिश में उसे ढूंढने लगे और 45 मिनट के खोजबीन के बाद मासूम का पता चला, जिसे तुरंत उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पखांजुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली खाद बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नकली खाद बनाने और सप्लाई करने वाले 4 रसूखदारों को राजस्थान के नावा सिटी से गिरफ्तार किया है। रसूखदार नमक में रंग मिलाकर यूरिया का रूप देकर ऊंचे दामों पर बाजारों में इसे बेच रहे थे। पखांजुर पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची थी, जहां 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। एएसपी प्रशांत शुक्ला ने कहा कि जल्द फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हमारे यहाँ दिनांक 22/7/2024 को थाना पखांजुर में नकली खाद के संबंध में कृषि विभाग के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, अपराध क्रमांक 147/2024, जिसमें एक ट्रक जो है वो उसमें खाद बरामद किया गया था, जो कि नकली होने के कारण जो है फूड विभाग ने उसको जब्त भी किया था। तो उसमें जो आरोपी थे अनिमेश घरामी, जो यहाँ पखांजुर का व्यापारी था जिसने खाद मंगाया था उसे, और उस्मान खान जो ट्रक का मालिक था और परिवहन करता था उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, और इसकी विवेचना लगातार की जा रही थी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। पर इसी क्रम में ये पता चला था, ये तथ्य सामने आए थे कि यह जो खाद है नकली, वो उसकी सप्लाई जो है राजस्थान से हुई है। तो हमारी एक टीम उप निरीक्षक रामचंद्र साहू के नेतृत्व में राजस्थान गई थी, और वहाँ नावा सिटी जो डिडवाना जिले में है, वहाँ एक श्री जैन केम फूड नामक एक फैक्ट्री है, जिसके मालिक हैं विनोद जैन, विनय जैन, और उनकी पत्नियां भी इसमें पार्टनरशिप फर्म में सब पार्टनर हैं, और उनका विनोद जैन का बेटा उपकार जैन वो सक्रिय रूप से इस कारोबार में शामिल रहता है। वो और एक OPS एग्रो केयर प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है, जिसके पार्टनर हैं शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना, और एक ट्रांसपोर्टर दौलत सिंह, डायमंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सभी मिलकर जो है इस गिरोह को चला रहे थे, जिसमें श्री जैन फूड जो फैक्ट्री है वहां पर नमक को, सामान्य नमक को पीस कर उसमें रंग मिलाकर वह खाद तैयार किया जाता था, और ये जो पैकेजिंग मटेरियल है जिसमें खाद लिखा रहता था, पोटास खाद ऐसा प्रिंटेड रहता था, वो शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना उपलब्ध कराते थे फैक्ट्री में, और उसमें वो माल नकली खाद जो है पैकिंग होता था, और वहां से डिलीवरी चलान के द्वारा उसे OPS एग्रो केयर प्राइवेट लिमिटेड को भेजा जाता था, जहाँ से शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना इसकी मार्केटिंग करते थे, और विभिन्न राज्यों के जो क्रेता थे उनको ये दौलत सिंह की ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विक्रय करते थे और भेजते थे। कितने रुपए के नमक की बोरी को कितने रुपए में बेचा जाता? लगभग इसमें 180 रुपए प्रति क्विंटल का जो माल है उसे 1200 रुपए 1300 रुपए प्रति क्विंटल का माल बनाकर बेचा जा रहा था। पखांजुर के पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पूरी टीम यहाँ से गई हुई थी, अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो किस प्रकार से ये पूरा जो मिशन रहा वो कितना कठिन रहा? यह एक तो दूसरे राज्य में जाकर आरोपियों गिरफ्तारी करना और लगभग पूरी विवेचना करना, और वहां जाकर सभी आरोपियों को मेमोरेंडम कथन लेना, और जो भी अपराध में शामिल दस्तावेज हैं या अन्य सामग्री है उनकी जब्ती करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। लेकिन इसमें राजस्थान पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला, और हमारी जो टीम थी रामचंद्र साहू सब इंस्पेक्टर हैं, और भी जो कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल जो गए थे वो बड़े प्रोफेशनली बड़े दक्ष हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी इसमें सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, इसमें ओम प्रकाश भदाना और शिव कृष्ण गुर्जर अभी फरार हैं। कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? इनकी भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाएगा।
खबर रायगढ़ से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और 39वें चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। वहीं चक्रधर समारोह के मंच से विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संगीत महाविद्यालय की मांग की है और मंच से ही सीएम ने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी है। रायगढ़ जिला वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और चक्रधर समारोह की भी बधाई शुभकामनाएं। आज 39वां चक्रधर समारोह का ये शुभारंभ का अवसर है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस समारोह में साक्षी बन रहे हैं और ऐसे अवसर में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम भी उपस्थित हुए हैं। यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो हमारी सरकार के वित्त मंत्री हैं वो भी हैं, हमारे सांसद द्वय हैं श्री राधेश्याम राठिया जी और श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे और जनप्रतिनिधिगण और हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग, अधिकारी लोग, सबकी उपस्थिति में ये शुभारंभ समारोह संपन्न हो रहा है। और आज हम का सौभाग्य है कि पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी का शो यहाँ जो कथक डांस है बड़ा अच्छा रहता है, वो पहले भी यहाँ पर आई है, पहले भी परफॉर्म कर चुकी है, तो वो देखने को हम लोग सौभाग्य मिलेगा। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये चक्रधर समारोह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और भगवान गणेश जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हाँ बिल्कुल, पिछले समय 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो लगातार वो भी आते रहे और जो भी मांग हुई वो पूरा की, ऑडिटोरियम वगैरह की मांग उन्होंने पूरी की, लेकिन महाविद्यालय की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। भाई आली मूर्ति पहले कंप्लीट कर लो, रात में जाएगी। चाचा मूर्ति चाहिए। दिखाता हूं, ये देखिए, ये सारे मूर्ति बहुत डिमांड में है। अरे चाचा इतनी बड़ी नहीं, मुझे छोटी मूर्ति चाहिए। अच्छा तो घर के लिए चाहिए। जी मेरा पहला पक्का मकान बना है ना, गणेश चतुर्थी है और मेरा गृह प्रवेश भी है, तो गणेश जी का विराजमान होना जरूरी है ना। अच्छा मंगवाता हूँ। छोटू। हाँ चाचा। छोटी और सबसे अच्छी मूर्ति लेकर आ। आपके हाथों में तो जादू है, ये मूर्ति कला आपने कहीं से सीखा होगा? अरे नहीं, बचपन से ही कच्चे मकान में रहे हैं तो मिट्टी से बहुत पुराना लगाव हो गया। बाबूजी हमारे मकान बनाते थे और हम बची हुई मिट्टी से गणेश जी बनाते थे, अब तो यही रोजी रोटी का जरिया रह गया है। अब तो आप पक्के मकान में रहते होंगे ना? अरे कहाँ, साल में 2 महीने ही तो मूर्ति का काम करते हैं, बाकी 10 महीने कोई कमाई नहीं होती, बस घर चलता है, मैं कहाँ पक्का मकान बनाऊंगा। आपको पता है मेरा पक्का मकान कैसे बना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनका मकान कच्चा है सरकार उनको अब पक्का मकान बना कर दे रही है। ये विष्णु का सुशासन है, अगला गणेश चतुर्थी आप अपने पक्के मकान में ही बनाएंगे। ये लो आपकी मूर्ति भी आ गई। और हाँ अपने पक्के मकान के लिए डिमांडिंग मूर्ति ही बनाइएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पद्मश्री हेमा मालिनी चक्रधर समारोह में प्रस्तुति देने रायगढ़ पहुंची हैं। उन्होंने जिंदल गेस्ट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। वहीं बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय अच्छे कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ उनके द्वारा प्रदेश के लिए किए गए वादों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कई बार रायगढ़ और छत्तीसगढ़ दौरा चुनाव प्रचार के दौरान कर चुकी हैं। चक्रधर समारोह में दूसरी बार प्रस्तुति देंगी। मैं मथुरा से आ रही हूँ तो मथुरा के सांसद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस अभी यहाँ पर उपस्थित हमारे पीएम सर और आई जी सर और यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारियों को, प्रशासन के सारे अधिकारियों और पत्रकार बंधुओं सबको मेरा प्रणाम। ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, आप सब जानते हैं। चुनाव के प्रचार बहुत किया है 15 साल पहले से, जब रमन सिंह जी भी यहाँ के सीएम बने थे, उससे पहले से वेंकैया नायडू जी के साथ मुझे पूरा याद है। और यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ इज सो ब्यूटीफुल, जैसा मैं देखती हूँ हमेशा हेलीकॉप्टर में मैं आया प्रस्तुति किया था। इस बार हम राधा रास बिहारी, राधा कृष्ण के जो प्रेम कथा है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। वैसे छत्तीसगढ़ आके आज जब मैं फ्लाइट में आ रही थी तो जितेंद्र जी ने बहुत कुछ बताया इस जगह के बारे में जो मैंने नहीं देखा। इतना सुंदर एक वाटरफॉल है, इट्स बेटर देन आई थिंक नायगरा फॉल्स। ऐसी ऐसी जगह है तो मैं चाहूँगी कि इस जगह का बहुत टूरिज्म के हिसाब से ना अच्छा बहुत आगे बढ़ सकता है। हम लोग देखो आज पहली बार जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है। हम लोगों से सबसे बात इलेक्शन करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन मैं आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि मुझे इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता कर रही है। हम सब आप में से कई लोग और मैं 12 साल बाद मैं तो आप लोगों के साथ कह सकता हूँ 12 साल बाद हम लोग मैम का रायगढ़ में शुभागमन वापस देखने को मिल रहा है। तो मैम हम लोग बड़े उत्सुक और उतारू हैं कि आप आई हैं और आपका पूरा रायगढ़ शहर और रायगढ़ जिले के सभी जो वासी हैं वे सभी से इंतजार कर रहे हैं। हमारे सम्मानित जो प्रेसिडेंट हैं स्थानीय और पूरे जिले के जो आ रहे हैं संभाग से भी आए हैं वो सब आपसे रूबरू होना चाहते हैं और आपसे फ्री फीलिंग वार्ता है और सक्रिय समारोह के बारे में और मैं आपसे डायरेक्टली ये लोग कुछ वार्ता करना चाहते हैं। तो मेरा सभी मीडिया साथियों से अनुरोध है कि मैम जो कि आए हैं मैम अब इसके बाद परफॉर्मेंस देने के उसमें है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में रायपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है। जगह जगह हर्षोल्लास के साथ बप्पा की मूर्ति की स्थापना हो रही है। रायपुर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में रायपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। रायपुर के कोने कोने में श्री गणेश भगवान विराजे हैं। रायपुर के तमाम पंडाल में जहां श्री गणेश की मूर्ति विराजमान है वहां हर खबर की टीम पहुंची और श्री गणेश की पूजा कर रहे पुजारियों से बात की। सभी लोगों का कहना है कि गणपति बप्पा अब विराजे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई जगहों पर श्री गणेश चतुर्थी की धूम है और मूर्ति की स्थापना की गई है। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर सभी भक्तजनों में खुशी है। गणेश चतुर्थी में सबसे ज्यादा पंडालों में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन रखा गया है और बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से विसर्जन के समय झांकी तरीके से मतलब विसर्जन में धमाल वगैरह लगाए हैं, उसमें लाइटिंग वगैरह एकदम बढ़िया रहेगा, जैसे झांकी तरीके से निकालेंगे
श्री साई गणेश पुष्प समिति चांदनी चौक नेहरू नगर। हाउसिंग बोर्ड बोलिए कला समिति मानस मंडली ये हर साल मनाया जा रहा है और ये लगातार हर साल ऐसा चलता रहेगा। 11 दिन में अलग 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 दिन की एक्टिविटी रहेगी, जो कि आज पहला दिन है। पहले दिन की हमारी मानस मंडली की एक्टिविटी है और अलग अलग दिन का डिसाइड करते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। देख रहे हैं कि रायपुर के हर गली में पप्पा जी विराजमान है। हम लोग हर गली में हर वो पंडाल में पहुंच रहे हैं और पप्पा जी का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज किया जा रहा है उसको हम देख रहे हैं। भली भांति बात कर रहे हैं, हमारे साथ क्रांति समाज के लोग भी बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2024 में किस तरीके से भव्य तरीके से स्वागत करने वाले हैं पप्पा जी का। हम लोग ने कल चंदू धुमाल भी लगवाया था, पापा का भव्य आगमन किया गया हमारे द्वारा पूरे रायपुर शहर में घुमा के। आगे हम लोग का झांकी प्रतिमा का भी विसर्जन रहता है, जिसमें भव्य झांकी निकाली जाती है गणेश भगवान के, पीछे भंडारा भी कराया जाएगा समिति के द्वारा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग के द्वारा गणेश का त्योहार मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो 11 दिन पप्पा जी विराजमान रहने वाले हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज किया जाएगा और यहाँ के मोहल्ले के अनुसार देखा जाए तो पप्पा जी का इतनी भव्य बड़ी एक मूर्ति स्थापना आप लोग किए हो, इसमें काफी सारे लोग आएंगे क्योंकि रोड के बगल में होने के बाद जगह का भी कंजेशन है आप लोगों को, इस तरीके से इसको पूरे 11 दिन के एक्टिविटीज क्या क्या रहे? ऐसा नहीं है कि इसी साल हम लोग भव्य मूर्ति बैठाए हैं, लगत विगत करीब करीब 60-70 वर्ष से हमारे जो बड़े मोहल्ले के थे वो बैठाते आए हैं और हमेशा भव्य मूर्ति ही बैठाई जाती है यहाँ मोहल्ले में। एक्टिविटीज की बात करें तो कुछ ना कुछ हम लोग आयोजन कराएंगे बच्चे लोग के लिए, जिससे पब्लिक भी आए देखे और मोहल्ले के बच्चे जितने छोटे भाई लोग हैं सब आके मजे करें यहाँ पे। अगर हम बात करें तो पप्पा जी का आशीर्वाद लेने के लिए मोहल्ले वालों को तो जरूर यहाँ पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे आज इस समय में पप्पा जी की आशीर्वाद पूरे रायपुर में बनी हुई है और भी हमारे साथ भाई बने हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई आप? मैं मनीष सोनकर लिखता हूँ। मनीष भाई, किस तरीके का जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले पिछले आप लोग कई सालों से भी बैठाते हैं, ये 2024 में हर साल कुछ तो यूनिक आप लोग करने का सोच रहे हैं, क्या यूनिक करने का सोच रहे हैं? हम झांकी जो निकलता है ना हम स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वही झांकी स्वयं बना के निकालते हैं। भाई लोग सब समिति में बताते हैं कि कैसे किस प्रकार का झांकी बनाना चाहिए, उसी को देखते हम झांकी बनाते हैं। ये हमारा ये है, हम लेके नहीं आते, हम स्वयं बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कितने लोग समिति के यहाँ पे बने हुए हैं? महोदय आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके समिति में कितने लोग बने हुए? करीब करीब हम लोग के जितने हम लोग सब मोहल्ले वाले भाई लोग हैं, हम करीब 100 लोग के आसपास है। क्या नाम लिखते हैं आप? नमन अग्रवाल। क्या है समिति में? हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जितने हैं सब हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं और पापा को प्यार से रखते हैं। विसर्जन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी और जिस तरीके से देखा जाए तो रायपुर में इतनी बड़ी झांकी आप हर साल देख रहे हैं कि यूनिक तरीके से झांकी आपको दिखेंगे, अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे झांकी निकाला जाएगा। बने रहिएगा हर खबर के साथ। पूरे रायपुर में, पूरे भारत में गणेश जी की स्थापना हो रहा है, वहाँ हर गणेश जी की स्थापना में पंडित जी का जरूरत पड़ता है, क्या क्या करके स्थापना करना? सभी दर्शनाभिलाषी जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और जो देखेंगे उन सभी को मेरा, आप सभी को जय श्री गणेश। ऐसा गणपति जी का विधान जो आज चतुर्थी से प्रारंभ होकर के अनंत चौदस तक विद्यमान रहता है, कुछ क्षेत्राधिकार में क्षेत्रीयता में कुछ लोग एक दिवसीय रखते हैं, कोई 3 दिवसीय रखता है, कोई 5 दिवसीय रखता है और कोई 10 दिन पूरे चतुर्थी से 14 तक रखते हैं। और इस विधान में सामग्रियां अपने वैभव के अनुसार जैसा जिसका सामर्थ्य हो वो उस वैभव के अनुसार भगवान का सेवा और पूजन करे। विशेष आवाहन स्थापन जो है भगवान गौरी गणेश कलशादि नवग्रहादि इनका इस वेदि स्थापन करने के पश्चात लघु गणपति प्रधान गणपति, लघु गणपति विशेष करके इसलिए उनके साथ में विद्यमान किया जाता है। जहाँ देखो वहाँ गणेश जी विराजमान है, गणेश जी का जो स्थापना है लगातार रायपुर में आप लोगों को देखने मिल रहा होगा। हम अलग अलग जगह से जाके इसको रिकवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम लोग जिस पंडाल पे मौजूद हैं, इस पंडाल में
नंदी के ऊपर सोए हुए विराजमान है गणेश जी, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये बना हुआ है, इसका जो पंडाल का बनावट आप लोग एक बार देख लीजिए किस तरीके से ये पंडाल बना हुआ है। और थोड़ा सा भाइयों साइड हो जाइए ना, जो नंदी है कितनी बड़ी नंदी का यहाँ पे आविष्कार किया गया है, उसके ऊपर गणेश जी जैसे विराजमान है। पप्पा जी को देखिएगा कि ये पूरी तरीके से शिव जी के अवतार में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी भव्य तरीके से यहाँ पे इन गणेश जी का स्थापना हुआ है। तो मैंने हम लोग यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं किस तरीके से वो होने वाला है और क्या है। तो क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश वासुदेव। क्या ये कौन सा समिति है? ये स्टार क्लब, श्री स्टार क्लब गणेश उत्सव समिति। किस तरीके से इतनी बड़ी नंदी के ऊपर गणेश जी विराजमान है, यानी कि ये किस तरीके से आप लोग हर साल ऐसे ही मनाते हो कि और कुछ अलग? नहीं नहीं, हर साल जी ऐसे ही मनाते हैं। पंद्रह वर्ष से मना रहे हैं, हर साल यूनिक करने का प्रयास करते हैं, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने का सोचते हैं हम। जी भाई, आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 11वें दिन तक का आप लोग क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? जी कार्यक्रम तो बहुत होता है, डांस होता है, भंडारा होता है और महाआरती होता है, बहुत सारा जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं हर साल। प्रतिवर्ष की तरह हर बार कार्यक्रम सोचते हैं कि जितना अच्छा कर सके हो जाए ऐसे, बाकी सब महाप्रभु के ऊपर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है कि भव्य तरीके से आप लोग यहाँ पे गणेश जी का जो स्थापना करके इस गणेश चतुर्थी को आप लोग मना रहे हो, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि ये जो हर साल आप लोग का जो यूनिक करने का तरीका है, तो इस वर्ष 2024 में ऐसा कुछ खास यूनिक आप लोग का है क्या? है ना जी, यूनिक है। जैसे हम लोग इस वर्ष में सोचे कि कुछ अलग अलग, और मूर्ति क्या, मूर्ति पर रेडी है, कोई बात नहीं है अभी तो, और बहुत कुछ बचा ही है यूनिक में। हमारे लिए तो यूनिक मूर्ति है भाई इस वर्ष की। कितने सारे लोग यहाँ आते होंगे और किस तरीके का व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्या स्थिति बना हुआ है और क्या यहाँ पे किस तरीके का व्यवस्था की गई है दर्शकों के लिए आने के लिए? बहुत लोग करके रहता है। किस तरीके? फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।